आज नरसिंह जी को लेकर शंकर भगवान वृंदावन में नरसिंह जी ने लेर शंकर भगवान आवे भगवान रासरी तैयारी करी और जीती गोपिया हाँ गोपिया ही बीता भगवान कृष्ण बन जावे और राधा रानी किशोरी जी रे सागे आज भगवान वृंदावन में रास करे। नरसिंह जी ने हाथ में एक मसाल दे दी और दूड़ खरिया नरसिंह जी ने केवे भगवान शंकर की नरसिंह जी आ मसाल हाथ में लियड़ा थे रास रात दर्शन करो और नरसिंह जी दूर खड़िया हाथ में मसाल लियड़ा रास रात दर्शन करे और आज यमुना किनारे वृंदावन में भगवान राधा रानी ने लेर गोपिया रे सागे रास करे। हे कन्हैया रे हे कन्हूड़ा रे यमुना में धीरे धीरे गाया चरावे भगवान राधा रानी गोपिया रे सागे रास करे। नरसिंह जी हाथ में मसाल ले रास रात दर्शन करे और दर्शन करता करता रास रात दर्शन करता करता नरसिंह जी ने हाथ में जकी मसाल ही बा पूरी मसाल जड़गी और नरसिंह जी रो हाथ जड़न लाग्यो और जो ही नरसिंह जी रो हाथ जड़न लाग्यो राधा रानी री नजर नरसिंह जी रे हाथ पर पड़ी। भगवान ने कहे हे प्रभु ओ आपरो कुण सो भक्त है
जके नहीं तो भी ध्यान नहीं है कि मसालो इरो हाथ जल रहे है। और जो ही भगवान री नजर नरसिंह जी पर पड़ी, दौड़ भगवान आवे और आप रो पीताम्बर फाड़ नरसिंह जी रे हाथ रे बांध देवे। शंकर भगवान प्रभु ने कहे, हे प्रभु, ओ मृत्यु लोक रो नागर कुल रो ब्राह्मण जूनागढ़ रो है, आप रो अनन्य भक्त है, आप रे रास रे दर्शन री इच्छा प्रकट करी सो मारो काम तो अठे तक पूरो हो, थारो भक्त अब थे संभालो प्रभु। बठो शंकर भगवान तो आप रे कैलाश पर्वत चलिया जावे और नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी ने साथे ले गोलोक धाम जावे। संतांकनु सुनियो है कि बहुत समय तक नरसिंह जी गोलोक धाम में रेवे, तो एक दिन भगवान के वे नरसिंह जी थे मृत्यु लोक से आया हो इन वास्ते अठे गोलोक धाम में से शरीर नहीं रह सको, थाने ई देह रो त्याग करण वास्ते ओ शरीर छोड़न वास्ते पाछो मृत्यु लोक जानो पड़सी। नरसिंह जी के महाराज मारो बठे कोई नहीं है, मैं किरे खने जाऊं, क्योंकि आपरे बिना मारो मन नहीं लागे, मने केवल आपरो इशारो में आपने छोड़ नहीं जाऊं। भगवान के वे नरसिंह, चिंता मत कर, मैं तने एक ईसो केदारो राग देऊं और तू जिद भी केदारे राग ने गाई, मैं त्रिलोकी में कठे भी हूं पर राग सुनता ही थारे हाजिर हो जाऊं। अब नरसिंह जी मार लेते ही जाने कौन राग के हुए, तो जो ही भगवान के नरसिंह जी चिंता मत करो, नरसिंह जी रे सिर पर भगवान हाथ फेरियो तो सारी राग रागनिया रो ज्ञान नरसिंह जी ने हो जावे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, आज भगवान री कृपा होगी सब राग रागनिया रो ज्ञान नरसिंह जी ने होयो। नरसिंह जी के महाराज राग तो दे दी लेकिन बटे खाऊं के मारे खाने री भी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं तो मांग रे पेट भरतो। भगवान के वे बीरी चिंता भी मत कर नरसिंह जी, और भगवान विश्वकर्मा ने आज्ञा दी, भगवान के महाराज खाने री व्यवस्था तो करते हो लेकिन मारे रहने रो भी कोई स्थान नहीं है बैठे, मैं रेऊ कठे, भगवान के बीरी चिंता भी मत करो नरसिंह जी। विश्वकर्मा ने आज्ञा दी, विश्वकर्मा जूनागढ़ गांव रे बारे एक मकान रो निर्माण करो और भी मकान में इतने धन री व्यवस्था करो कि तीन लोग एक वर्ष तक धन खावे तो भी समाप्त नहीं हुए, इतने धन री व्यवस्था करो। विश्वकर्मा रातों रात मकान रो निर्माण करो, तीन लोग एक वर्ष तक खावे इतने धन री व्यवस्था करी। नरसिंह जी भगवान कनु आज्ञा लेर जी जूनागढ़ में आवे, गांव रे बारे एक मकान तैयार करेड़ो। नरसिंह जी बिन मायने प्रवेश करे, अब नरसिंह जी लुगाई, नरसिंह जी और नरसिंह जी रो एक बेटो, वे तीनों भी मकान में रेवे, भगवान रो दीड़ो प्रसाद बनावे पावे और भजन करे। एक दिन नरसिंह जी विचार करियो कि जिन प्रकार आपा अपने भोजाई कनु गालियां सुन रोटी खावता बिसा गांव में और भी लोग है के कोई लोग, तो नरसिंह जी विचार करियो ऐसा लोग है जिनका घर में गालियां सुने पहली तो और पछे बने भोजन मिले, लेकिन आपने भगवान रो दियोड़ो सब कुछ है, ऐसा लोगा ने आपा अपने आश्रम में लियावा तो खूब भोजन करा और खूब भजन करा। तो नरसिंह जी ऐसा लोगा री तलाश में निकलिया तो एक नहीं दो नहीं, नरसिंह जी ने 16 सूरदास मिल गया महाराज। नरसिंह जी वाने इकट्ठा करके वे देखो सूरदास थाने भोजन ही तो करनो है, घर में गालियां सुनर भोजन करो, एवं आछो तो आपने भगवान रो दियोड़ो सब कुछ है, आपने बठे आश्रम में चालो खूब भोजन करा लेकिन बदले में थाने भजन करनो पड़ी। सूरदास कहते के हो जी तो भजन कर ले, बस हमारे भोजन री व्यवस्था करते हो। आज सूरदासा ने लेर नरसिंह जी जी आश्रम में आवे, भोजन करे और भजन करे, लेकिन महाराज भगवान तो व्यवस्था करी कि तीन लोग एक वर्ष तक खावे इतने धनरी, लेकिन मोटे मोटे पेटरा सूरदास आया तो बाज की सामग्री ही बा धीरे धीरे जल्दी समाप्त होने लगी। एक दिन पूरी सामग्री समाप्त होगी, लगभग एक समय री सामग्री बची तो नरसिंह जी री लुगाई के देखो स्वामी लगभग आज श्याम रो भोजन है, काल रे भोजन री व्यवस्था नहीं है। नरसिंह जी के चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जकरो भजन करा वो भोजन आप ही दे। अपने तो भजन री चिंता करनी है, भोजन री चिंता तो सामरियो आप ही करी, जकरो भजन करा। तो बी दिनी संयोग वस गांव में कुछ संतारी मंडली आई, तो संत गांव वाला ने कहो देखो साहब
माने द्वारिका जानो है और मारे कने मारे जीवन काल री 700 रुपया कमाई है तो मैं जावा कि अठे गांव में कोई सेठ जी ने 700 रुपया देर में द्वारिका में हुंडी लिखवानो चावा क्योंकि माने द्वारिका में भंडारो करनो है। गांव वाला लोग संतारे सागे मजाक करी कि हे संतो मारे गांव में तो एक ही आदमी ईसो है जिको हुंडी लिखे मेरो नाम है नरसिलो थे नरसिंह जी कने जाओ बेथाने मना करे लेकिन थे चरण पकड़ दिया बारा पग पकड़ दिया तो बने लिखनी पड़सी। संत नरसिंह जी रे द्वार पर जावे नरसिंह जी के वे जय श्री कृष्णा संतो पधारो संतो। संत के वे नरसिंह जी मैं थारे कने आज कोई विशेष कारण से आया। नरसिंह जी के बोलो सा कि मैं द्वारिका जानो चावा द्वारिका में माने भंडारो करनो है और हमारे जीवन काल री 700 रुपया कमाई है बातें स्वीकार कर माने द्वारिका रे वास्ते हुंडी लिख दो। नरसिंह जी हाथ जोड़िया कि संतो मने क्षमा करो मैं हुंडी लिखा कर तो लेकिन बहुत पहली लिखा कर तो अब मैं हुंडी नहीं लिखूं। लेकिन संत नरसिंह जी रा चरण पकड़ दिया कि हे नरसिंह जी आज तो थाने वो मारो काम निकालनो ही पड़सी थाने हुंडी लिखनी ही पड़सी। संता जिद करियो तो नरसिंह जी सोचियो कि इमे भगवान री कोई कृपा है। नरसिंह जी कहे कोई बात नहीं संतो पहली भोजन करो फिर बाद में मैं थारी हुंडी लिख देऊं। संता ने भोजन करायो प्रसाद जी संत पायो नरसिंह जी हुंडी लिखनी शुरू करे। सिद्ध श्री द्वारा पुर है ग्रामा सकल हो तुम्हारे सांवल सारा कामा रिपिया 700 संताने गिण दीना थे 350 दुणा कर दीजिए 350 दुणा किता होवे 700। भगवान लिखे द्वारिका में सांवल सा सेठ रे नाम हुंडी लिखे हे प्रभु 700 रुपया संत मने गिणर दिया थे ज्यादा नहीं तो 350 दुणा तो करी दिया। इन प्रकार हुंडी ले और संत भटे से रवाना होवे। संत जी द्वारिका में पहुंचे संत पहुंचे द्वारा पुर माही हुंडी खोल दिखाई है। द्वारिका में पहुंच हुंडी खोल दिखाई है कहे नगर का सेठ यहाँ तो सांवल सा कोई नहीं है। गांव वाला के वैसा अठे तो सांवल सा नाम रो कोई सेठ नहीं है क्योंकि हुंडी में लिखड़ो है सांवल सा सेठ तो मारे गांव में तो सांवल सा नाम रो द्वारिका में कोई सेठ नहीं है। संत बड़ा परेशान हुए अरे माने नरसिंह जी सांवल सा सेठ रे नाम हुंडी लिख दी और थे क्योंकि गांव में कोई सांवल सा नाम रो सेठ नहीं है। विचार करो ई बास में ई मोहल्ले में नहीं है तो दूसरे में मिले लो तो दूसरे दिन दूसरे मोहल्ले में फिरा लेकिन बठे भी कोई सांवल सा सेठ नाम नहीं बतावे। और यहाँ करता करता एक नहीं दो नहीं 6 दिन हो गया संता ने फिरता ने लेकिन द्वारिका में सांवल सा नाम रो सेठ नहीं मिलो। संत बड़ा परेशान होया। गांव वाला के वह संता देखो मैं था ने पहले दिन कहो कि मारे गांव में सांवल सा सेठ सांवल सा नाम रो सेठ तो छोड़ो कोई टावर ही था ने कौन मिले। मैं था ने एक बार कह दियो मारे गांव में किरो ही नाम सांवल सा नहीं है माने लागे थाने कोई बहुत बड़ा ठग मिला है और थारे कनु थारा 700 रुपया ठग लिया थे। एक काम करो अभी तक थोड़ा बहुत रुपया बचाड़ा होला पाछा जाओ और थारा पैसा पाछा लियो। संत विचार करे कि पाछा जावा ही तो समय नहीं है क्योंकि काल तो सगड़ा लोग जीवन वाला आजी काल रो नुंतो दियोड़ो है पाछा जावा ही तो समय नहीं है और काल जब सब रिश्तेदार और सब लोग आए तो अपनी बहुत बड़ी बदनामी हो सी। तो आज चारों संत द्वारिका रे बारे एक वटवृक्ष रे नीचे आर बैठ जावे। वृक्ष रे सारी एक दरिया यानी एक तालाब हो तो संत आपस में बात करे कि देखो सा थोड़ी देर और इंतजार करा कोई सांवल सा नाम रो सेठ आवे तो ठीक है और नहीं आवे तो आज रात ने इ तालाब में कूद रहा अपना प्राण त्याग दे आपा जीवता तो भंडारो नहीं कर सका अपने मरिया पछ जगह आई जगह तो करी। इन प्रकार रो विचार करे संत जी तालाब रे किनारे बैठे और नरसिंह जी मां 700 रुपया री सामग्री ल्यार प्रसाद बनार भगवान रे भोग लगावे तो याद आवे कि हे सांवरिया मैं थारे नाम री हुंडी लिख दी थी स्वीकार करी कि नहीं और आज नरसिंह जी भगवान ने याद करे हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी मारी हुंडी
प्रार्थना करे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी हे सांवरिया मारी हुंडी ने स्वीकार करो क्यों क्योंकि मने एक तो थारो ही आधार रे सांवरा मैं थारे नाम रे संता ने हुंडी लिखर दिए संता को हुंडी स्वीकार करो और जो ही नरसिंह जी भगवान नु प्रार्थना करे उन समय भगवान सेठरो रूप बनार संता करे जावे झीणी धोती झीणो कुर्तो चाले खचरक चाल अरे दुखी संतारे पास में देखो आयो मदन गोपाल झीणी धोती झीणो कुर्तो पेर सेठरो रूप बनार आज भगवान नरसी ले रहे कार्य वास्ते नरसी जी बात रखन वास्ते आज संतारे कने चाल आया है चारों संत नीचे गर्दन करोड़ा बैठा और भगवान आर आवाज लगाई अरे संता इन प्रकार उदास क्यों बैठा हो थे कोई रात जागरण में गए रहा जागरण में जावे नहीं रात्रि नींद हुए तो थोड़ा मुंह लटक जावे तो थारी कोई रात्रि नींद है कोई रात जागरण देने वास्ते गए रहा अरे संता थारा मुंह लटकेड़ा क्यों है थे दुखी क्यों हो लेकिन एक भी संत नजर उठार भगवान री तरफ नहीं देखो भगवान के वेरे संता कम से कम बताओ तो सही थारे परेशानी किसी है एक संत के वे देखो सा थाने बतावा कि और जो ही भगवान री तरफ देखो तो संत के वे सा सेटा थाने देख रहे मन में तो आवे कि मन आली सारी थाने के देव भगवान के वे देरी क्यों करो जल्दी क्यों मैं थारी सुनन वास्ते तो आयो हूं लेकिन महाराज थाने बतावा के आकाश आसियो माने पटक्या लेकिन नीचे धरती भी माने जगह दी कोनी मारे सागे बहुत बुरी हुई अरे भगवान के वे बताओ तो सही थारे सागे बुरी हुई के तो संत के वे कि महाराज देखो आज काले सेटा संतानी लोग नहीं छोड़े संतारे सागे भी धोखो करे देखो संताने भी लोग ठगे भगवान के वे साफ साफ बताओ कि बात के है तो संत बतावे देखो माने जूनागढ़ में नरसी नाम रा सेठ मिलिया मैं मारे जीवन काल री 700 रुपया कमाई बने दी और द्वारिका रे नाम हुंडी लिखाई लेकिन सावण सा नाम हुंडी लिख दी माने आज गांव में घूमता ने 7 दिन हो गया सावण सा नाम रो सेठ माने नहीं मिलो जो ही भगवान ने संत कहो कि नरसी जी माने हुंडी लिख दी भगवान संतारे चरणा में गिर गया संता माने क्षमा करो वो नरसी रो आड़ती हो वो नरसी रो मुनी में वो मैं हूँ महाराज माने क्षमा करो देखो आज भक्त रे कारणे भक्त रो मान राखण वास्ते भगवान संतारे चरणा में गिर गया भगवान के वह संता थाने 7 दिन होया घूमता ने लेकिन थे तो मारी दुकान आया ही नहीं संत के वे 7 दिन होया ठे गोता खामता ने थे क्यों मारी दुकान नहीं आया तो थारी दुकान भड़े गिने भगवान हाथ करियो आथुण कानी के महाराज आथुणो सारो बाजार आपनो ही आपनो है आज भगवान हुंडी स्वीकार कर संता ने 700 रुपया दिया और 100 रुपया एक्स्ट्रा और दिया कि थे परेशान होया इन वास्ते और हाथ जोड़ रहा संता ने कहे भगवान की देखो संता थाने कदे भी मारो सेठ नरसी जी मिले तो बने इया मत गया कि थाने 7 दिन तक मारो इंतजार करनो पड़ो नहीं तो महाराज मारो नौकरी रो सवाल है मारी नौकरी चली जासी आज चारों संत में 700 रुपया ले द्वारिका में भंडारो कर पाछा जामता जूनागढ़ जावे और नरसी जी रे सामने भगवान री प्रशंसा करे कि वाह नरसी जी थाने भी इतो जोरदार मुनि मिलियो कि एक बार देखियो तो अब मन में ही आवे कि भी नहीं देख तेरे वहां और की देखा ही नहीं नरसी जी आंख में आंसू आ जावे वा सांवरिया मारे वास्ते थाने सेठ रो रूप धारण करनो पड़ो और संत नरसी जी री और भगवान री प्रशंसा कर बैठे से रवाना हो जावे अब धीरे धीरे नरसी जी जी की 700 रुपया रो सामग्री ले आया भाई धीरे धीरे समाप्त होने लगी फिर नरसी जी सामग्री समाप्त होगी तो नरसी जी फिर गांव में मांगनो शुरू कर दियो गांव में मांगे और भोजन करे और नरसी जी एकला नहीं है 16 सूरदास नरसी जी रे सागे गांव में कोई ब्याह शादी हुए तो गांव वाला जिमे कि नहीं जिमे रिश्तेदार जिमे कि नहीं जिमे बारात आयोड़ी जिमे कि नहीं जिमे लेकिन 16 सूरदास नरसी जी पहला जिमे
और थोड़ो गुणो जिमे नहीं इतो जिमे कि महाराज लारे फेर किरी खावण वास्ते की नहीं बचे। गांव वाला लोग बड़ा परेशान हुआ कि महाराज नरसिंह जी तो बड़ा परेशान करे। अब नरसिंह जी तो बेचारा थोड़ो खामता लेकिन सागा वाला जका हानी बे महाराज पूरा पेट रासल काटता। गांव वाला लोग बड़ा परेशान होया कि नरसिंह जी तो अपन परेशान कर रखे नू तो नहीं देवा तो ही बिना बुलाए आवे। तो नरसिंह जी ने किन प्रकार रोका तो एक दिन गांव वाला सब लोग इकट्ठा होर मंत्रणा करे विचार करियो और सुबह सुबह नरसिंह जी रे द्वार पर जावे। और नरसिंह जी रे द्वार पर जूं जावे नरसिंह जी जूं बार ने लागे भीड़ देखे देख भीड़ बार ने भारी नरसिंह जी बतड़ावे अरे जीमण आज किन घर में है मने तेवड़ावे। अरे जल्दी बताओ आज जीमण किर घर में इतना लोग बुलावण ने आया हो अरे मने तेवड़ावे भूखे ने जल्दी बताओ किरे घर में आज नूं तो। गांव वाला कहे नरसिंह जी आज मैं नूं तो देवण ने नहीं आया थाने जिमावण ने नहीं आया आज तो मैं थारे जीमण ने आया। नरसिंह जी कहे महाराज मारे खुद रही भोजन रा पता नहीं है मैं खुद ही मांग रखाऊं और थे मारे जीमण ने आया हो। तो गांव वाला कहे देखो नरसिंह जी थे मारे गांव में मारे घर में नितरा जिमो नरसिंह मारे नितरो जी में आप नीर नहीं पायो कि थे तो मारे नितरा जिमो लेकिन माने तो कदी थे पानी नहीं पायो। एक बात बताओ नरसिंह जी कि थे ग्रस्त हो कि नहीं। नरसिंह जी के ग्रस्त तो हूँ आज थारे पिताजी रो श्राद्ध है कि नहीं। नरसिंह जी के श्राद्ध तो है तो नरसिंह जी आज थाने अठे श्राद्ध करनो पड़सी और मैं थारे जिमने आया हूँ। नरसिंह जी कह लियो बताओ जान बुझ राफत मोल आ गई अब श्राद्ध कठू करू मारे कन तो की नहीं है। तो नरसिंह जी भगवान को प्रार्थना करे कर करुणा कर नरसिंह जोड़िया भीड़ पड़ी छे भारी रे घर की विगत सकल तुम जानो अरे ना कोई दे तयो धारो रे आज अणी सर कावण खातर राग धरू के दारो रे कर करुणा कर नरसिंह जोड़िया भीड़ पड़ी छे भारी रे। आज नरसिंह जी भगवान प्रार्थना करे हे प्रभु आज हमारे बारनर आगे बड़ी भारी भीड़ है और गांव वाला सब लोग श्राद्ध करण वास्ते केवे लेकिन आज हमारे खने कुछ नहीं है कि मैं गांव वाला ने देऊं। गांव वाला के देखो नरसिंह जी ज्यादा नहीं है तो थे माने 60 रुपया ल्याड़ देओ मैं 60 रुपया में सारो श्राद्ध कर में जावा। नरसिंह जी भगवान ने कहे हे प्रभु घर की विगत सकल तुम जानो ना कोई दे तो उधारो उधारो बिन देवे जठो आमने री आस होए कि पाछा आ जाई जठो आमने री आस नहीं हुए बट कोई उधारो ही नहीं देवे। तो प्रभु घर री विगत थाने ध्यान है कि मन कोई उधारो ही नहीं देवे। आज अणी सर कामण खातर राग धरु के दारो हे प्रभु आज जो काम निकालन वास्ते आज आप रो दीड़ो केदारो राग में गिरवी धरू मने क्षमा करया प्रभु। आधी रात्रा तोड़ाधर सेठ रे कने जावे नरसिंह जी और तोड़ाधर जी ने कहे तोड़ाधर जी मने 60 रुपया देओ लेकिन मैं ये ही नहीं लेर जाऊं मारो केदारो राग थारे कने गिरवी रखर जाऊं मैं वचन देऊं जद तक थारा 60 रुपया रोकड़ ब्याज सहित नहीं देऊं और नरसिंह लोग केदारो राग नहीं गावे। 60 रुपया तोड़ा दर्जी खून लेवे तोड़ा दर्जी विचार करे गांव रो ब्राह्मण है और ब्राह्मणा ने जिमाणो है कोई धर्म रो काम है कोई पाप में तो लगावे नहीं कोई बात नहीं पैसा पाछा आए तो ही ठीक है नहीं आए तो ही कोई बात नहीं। आज 60 रुपया तोड़ा दर्जी खून लेर नरसिंह जी गांव वाला ने देवे गांव वाला खूब भंडारो कर भर पेट भोजन करे बच्चे जी को आप रे सग ले जावे। बीत दिन श्याम रे समय गांव रा कोई चार जोगी गांव रे बारे गयोड़ा जो श्याम ने गांव में पधारे तो गांव वाला सब लोग बात करे चोखा जिमेड़ा दिन थोड़ी देर तो बात चले तो कोई कहे देखो सा आज नरसिंह जी रे जिमण ने गया बठे दाल रो सिरो आज मैं जिम रहा कि बठे दाल रो सिरो बनायड़ो और महाराज मड़ाई आला घेवर गुलाब जामुन आज तो बड़ो आनंद आ गयो गरम गरम जलेबी गरम गरम खीर। जी जोगी गांव रे आदमिया कुनो सुनी कि आज नरसिंह जी तो जोरदार भोजन करायो चारों जोगी नरसिंह जी रे द्वार पर पहुंचे कि नरसिंह जी थे मारे साथे बहुत बड़ो धोखो करियो।
नरसिंह जी का संता थारे की हो कि नरसिंह जी थे पूरे गांव ने जिमायो लेकिन माने चारा ने नहीं जिमाया, मैं थारे भोजन करण वास्ते आया हूं। नरसिंह जी के साथ जितो ही भोजन बनायो गांव वाला जीम गया, बच्चो जो कोई मारे कने नहीं छोड़ियो, अभी मारे कने की नहीं है। तो गांव वाला जोगी जा नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी थे मारे सागर जो को धोखो करियो थाने बहुत महंगो पड़सी। और गांव रो एक राजा हो नाम मंडलिक हो, मंडलिक राजा ने जार शिकायत कर दी जोगी कि हे राजा जी थे तो अठे बैठे हो लेकिन थाने पतो नहीं है, थारी आंख रे नीचे हो। नरसिंह जी अपने आप ने भगवान रो बहुत बड़ो भक्त कहवावे और गांव वाला लोगा ने कहवे कि भगवान मन माला पेरावे, इन वास्ते थे भी ने दंड देओ। तो मंडलिक राजा विचार करियो कि जब तक नरसिंह जी ने देखा नहीं तो बिना गलती का सजा नहीं दे सका। तो नरसिंह जी रे द्वार रे आगे आर राजा मंडलिक एक राज दरबार लगावे, कुछ गणमान्य लोगा ने सैनिका ने लेर और नरसिंह जी ने कहवे, राजा हे नरसिंह जी आज रात रात में या तो थाने भगवान माला पेरासी और अगर माला नहीं पेराई तो आज रात ने थाने फांसी री सजा दी जैसी। नरसिंह जी विचार करे, वारे सावरिया इतनी बड़ी परीक्षा। अब नरसिंह जी भरी सवारे मायने जो दरबार लागेड़ो हो बीमा भजन गावे नाचे कूदे लेकिन केदारो राग नहीं गावे, क्यों? क्योंकि केदारो राग तो गिरवी पड़ी हुए तोड़ा दर्जी कने। भजन गावे नरसिंह जी भजन पर भजन गावे लेकिन केदारो राग नहीं गावे, नरसिंह जी भगवान ने याद करे। बोलो सतगुरु देव की जय। माला तो मन की भली माला तो मन की भली और का ठिका मारा जी माला में गुण हो बे तो क्यों बेचे मणिहारा। अरे माला रमणी हो भजन वाली डोरी, अरे माला रमणी हो भजन वाली डोरी, अच्छा करा में मयूर
भजन पर भजन गावे नाचे कूदे लेकिन केदारो राग नहीं गावे और केदारे बिना भगवान नहीं आवे। भगवान विचार करियो कि जब तक नरसिंह जी तोड़ा दरकने जब तक नरसिंह जी राग गिरवी है नरसिंह जी केदारो राग नहीं गावे। आज नरसिंह जी ने कारण भगवान नरसिंह जी रो रूप धर आदि रात रात तोड़ा धर सेठ रे दरवाजे पर जार तोड़ा धर ने आवाज लगावे जी तोड़ा दर आवे नरसिंह जी बनड़ा भगवान के तोड़ा दर जी आज थारे कने गिरवी रखोड़ी मैं केदार राग छुड़ाउन वास्ते आया हूँ ए लियो थारा 60 रुपया ब्याज से तो मारो केदारो राग मुक्त करो। तोड़ा दर जी के महाराज थारो राग तो मुक्त हो मैं तो कदी बांधियो ही नहीं थे गाओ खूब नाचो गाओ। भगवान के वे इया नहीं जब तक कागज में लिख नहीं दे तब तक मैं नहीं मानू और उन समय कागज में लिख देवे तोड़ा दर्जी 60 रुपया रोकड़ ब्याज सहित पाया और केदार राग नरसी का मुक्त हो आया और वो लिखोड़ो कागज भगवान आज भरी सबारे मायने उड़ायो जठे नरसिंह जी भगवान रो भजन करा। जुई नरसिंह जी री नजर पड़ी कागज पर नरसिंह जी बी समय गावत गावत तृष्णा लागी थकी जीभ की वाणी आज गावता गावता नरसिंह जी ने बड़ी जोर की प्यास लागी लेकिन भरी सभा में आज नरसिंह जी ने कोई पानी नहीं पायो। उन समय भगवान रानी रो रूप बड़ा नरसिंह जी ने पानी पिलावन वास्ता आवे लेकिन भगवान नरसिंह जी भगवान नारी रे हाथों पानी नहीं पीवे तो भगवान वो 60 रुपया रोकड़ ब्याज सहित मुक्त आड़ो कागज दिखावे तो नरसिंह जी समझ जावे कि भगवान आज नारी रो रानी रो रूप धर पानी पिलावन वास्ते आया है और जिया ही नरसिंह जी रानी रे यानी भगवान रे हाथों पानी पीवे बठे एक गड़बड़ होगी महाराज। गड़बड़ की हुई गांव वाला लोग केवे राजा ने राजा जी अठे तो थे नरसिंह जी ने दंड देवन वास्ते बैठे हो लेकिन आधी रात ने थारी रानी मेल ने छोड़ नरसिंह जी ने पानी पाउन वास्ते आई है। जुई राजा समझी की रानी है राजा मन में राजा अपनी रानी समझी मन में मानी रीस अरे भरी सभा में पानी पायो इरो नाक काटू या सीस। हे रानी आज भरी सभा में तू नरसी ने पानी पिलाने वास्ते आई है और राजा दौड़ जुई रानी ने मेल में जावे। रानी तो बिचारी रोटी खार 7 बजे सोगी जुई राजा जावे आवाज लगावे रे रानी सोने रो नाटक करे थोड़ी देर पहली नरसिंह जी ने पानी पिलार आई। रानी नींद में खड़ी राजा जी मने क्षमा करो मैं कोई नरसिंह ने पानी पिलाने वास्ते नहीं गई मैं तो महाराज 7 बजे सोई मैं तो गहरी नींद में सो रही। अबे रानी तो आपरी सफाई दी लेकिन अठे राजा जी फंस गया महाराज थे बताओ आधी रात रख कटे फिरो और रानी के वे राजा जी ने रानी के वे सुनो राजा जी मैं नहीं पायो पानी रानी केवे सुनो राजा जी मैं नहीं पायो पानी अरे थे क्यों फिर फिर भगत सताओ अकल तुम्हारी जानी। हे राजा जी मैं तो पानी नहीं पायो लेकिन थारी अकल भांग क्यों खाई है महाराज थे आधी रात रा भगवान रे भक्ता ने क्यों परेशान करो और मैं तो सुनी है कि नरसिंह जी कोई छोटा मोटा भक्त नहीं भगवान रा अनन्य भक्त है बहुत समय तक गोलोक धाम में भी रे आयड़ा है महाराज अभी तो भगवान केवल रानी बनर पानी पिलाने वास्ते आया मां भगवान रो सुदर्शन चक्र आम तई देर नहीं लागेला और जी रानी राजा ने समझायो आज नरसिंह जी केदारो राग गायो भगवान रे गले माला निकल नरसिंह जी रे गले में गिर जावे आज राजा नरसिंह जी रे पगा में गिर जावे। नरसिंह जी मने क्षमा करो मने माफ करो और नरसिंह जी ने कोई मतलब नहीं है मान अपमान बढ़ो नरसिंह जी चलिया जावे। अठे तक नरसिंह जी रे हार री और हुंडी री कथा है आ तो आपा सुनी नरसिंह जी री कथा लेकिन आज आज केवल नरसिंह जी री कथा सुना
कालू आपा नानी बाईरी कथा शुरू करा कि किन प्रकार नरसिंह जी आपरी बेटी रो ब्याह करियो और बा कथा आज नहीं काल कराला। और महाराज एक बात थाने और बताऊं, शायद थाने सूचना दी होसी कि आज शंकरदास जी महाराज आ रहा, लेकिन कोई कारणवश शंकरदास जी महाराज आज नहीं काल आसी, तो काल आपने दिनरी कथा में यानी 12 4 बजे जिकी कथा होई बीरमाई ने बाल संत भोले बाबा जी रा परम शिष्य शंकरदास जी महाराज अपने बीच में पधारसी और रात्रि काल में लगभग 8 बजे तक परम आदरणीय परम पूजनीय बाल संत श्री भोले बाबा जी रो आगमन हेण वास्ते आप सब ने काल दिनरी कथा में भी संतरा दर्शन मारा, नहीं तो कम से कम संतरा दर्शन करने तो आजे। तो शंकरदास जी महाराज रा दिन में प्रवचन भी होसी, तो महाराज श्री प्रवचन सुनने वास्ते और श्याम ने भोले बाबा जी दर्शन करने वास्ते सब ने पधारनो है। आज रे मायरे नठी विश्राम और कादरी कथा में समय पहुंच जाए। भगवान रे नाम रो 2 मिनट कीर्तन। हे नाथ नारायण वासुदेव नगरी की जय हो, आप सब की जय हो।